हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज बड़ा ही शुभ दिन है और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज पहला नवरात्रा है और मैं अंजलि बिजलवान भी आज से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहेगा। आज सबसे पहले हम आए हैं अपने गाँव माँ ज्वालपा के दर्शन करने, मंदिर में पूजा पाठ करने, और इसी के साथ हम आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। ये है माता रानी का गेट, आदिशक्ति माँ ज्वालपा गादई। ये है मंदिर का धारा, देखिए बिल्कुल पास में ही है मंदिर के, बिल्कुल भी दूर नहीं है। और यहाँ पे साफ और शुद्ध पानी जो नेचुरल सोर्स है वही है, नेचुरल सोर्स का पानी यहाँ पे आता है। और इससे सभी आने जाने वाले लोग अपना पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इधर उधर दिखा देती हूँ। श्री नगर बगल मंदिर के ये आम के पेड़ हैं, बहुत पुराने आम के पेड़ हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट है, इन पेड़ों में कोई चढ़ भी नहीं सकता। लेकिन जब आम लगते हैं आम के सीजन में, आम यहाँ पे तब होते हैं, तब पकते हैं जब सारे मार्केट के दशहरी बनारसी आम ख़त्म हो जाते हैं, देसी आम, तब हमारे पहाड़ी आम पकना शुरू होते हैं और एक दो महीने तक आराम से इनको खाया जाता है। ये सामने फूल हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। हम ऊपर चलते हैं, माता रानी के आपको दर्शन करवाते हैं, चलते हैं। और तो अब हम फूल लेने चलते हैं माता रानी के लिए। और ये फूलों की घाटी है, देखिए थोड़ा सा एक खेत नीचे है इसीलिए मैं इसे घाटी कह रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कोई घाटी नहीं है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है वहाँ पे से। और ये बगीचा है आम का, यहीं पे से आपको दिख रहा है, यहाँ बांस के पेड़ भी हैं। और ये मैंने लगाए हैं इधर स्पेशली फूल कि कोई भी भक्तगण अगर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें इधर उधर फूल के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वो अपने आराम से फूल तोड़ के माता रानी की पूजा कर सकें। और फूल धो लेते हैं अब हम और चलते हैं पूजा करने के लिए। ओम गणाधिपताय नमः, गणपताय नमः, गणेशजी महाराज गणाधिपताय नमः, गणपताय नमः, गौरी पुत्राय नमः, गजाननाय नमः, एकदंताय नमः, प्रथम पूजाय नमः, श्री गणेशाय नमः, अष्टविनायकाय नमः, धूपम दीपम दर्शयामि नमः, धूपम दीपम दर्शयामि नमः, धूपम दीपम दर्शयामि नमः, गणाधिपताय नमः, ओम गजाननान भूतादि गण। मंदिर में माता के भक्तगण आए हैं और ये भी माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पिठाई लगाने के लिए जा रहे हैं। और माता रानी इनका मनोकामना पूर्ण करे, पंडित जी ने इनकी पिठाई लगा दी है सर जी ने। और आप देखते हैं, अरे वाह, राहुल और रिंकू भी आ गए हैं, ये दोनों सतपुली से आए हैं। और हमेशा हर महीने ये लोग यहाँ पे माता रानी के जोत के लिए तेल चढ़ाने आते हैं। माता रानी ने इन पे भरपूर आशीर्वाद, माता रानी की भरपूर कृपा है। बस बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस बस हो गया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चारों तरफ चलिए, अब हमारी तैयारी हो गई है जाने की। अब हम सब लोग मंदिर से चलते हैं सतपुली अपने घर। यह है भगवती प्रसाद,
ये हमारे देवर जी हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कि मैं मंदिर में बोला, मैं कुछ भी बोलूँगा। ये है तेजस विजलवान, शैतान यही एडिटिंग करेगा। सर जी हेलो, सर जी गाइस, हमारे हस्बैंड सर जी ही बोलते हैं, ठीक है चलते हैं फिर। ठीक है भगत जी, भांडे जी ने सब सामान ले लिया, कुछ छोटा तो नहीं है? चप्पल, आपका फोन गया है, चप्पल ले ली, आपका फोन, मेरा फोन, मेरे पापा का चार्जर सब रख दिया बैग में। लेट्स गो, चलते हैं फिर हम अपनी मंजिल की ओर सबको ले। चलिए, जय माता दी, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और जो भी लोग अभी तक इस मंदिर में आए हैं, कहां कहां से आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, सभी लोग कमेंट में लिखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट देना और बताना कि किस किस की मनोकामना पूर्ण हुई है, कौन कौन यहां आना चाहता है। और मई में मंदिर में मेला लगता है, पूजा होती है, मंडाण लगता है 2 दिन का, तो आप सब लोग आइए, आप सब लोगों का स्वागत है, आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, हमारे यहाँ आए हैं आज मेहमान, ये मेरी चाची हैं, कोटद्वार से आई हैं, और ये है मेरा भाई। अरे मिन्नी खाना ही नहीं, अरे और खाना खाओ खाओ खाओ, बहुत है खाओ, अरे बहुत है की बात। हाँ, और ये सर जी है, सब खाना खा रहे हैं मजे से। और ये है हमारा भाई आसो, ये खा चुका। और ये है भगवती प्रसाद जी, इनको हमने मंदिर में मिलवाया था आपसे, बड़े शर्मीले हैं बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए जरा। चलिए ठीक है, आप लोग खाना खाइए, फिर बाद में मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 5:00 और मैं उठ चुकी हूँ। और जैसे कि हमारे गेट पे क्या है, शाम को और सुबह गाय आ जाती है रोटी खाने के लिए, तो गाय आ चुकी है रोटी खाने के लिए, और मैं उसके लिए रोटी लेने जा रही हूँ किचन में। अच्छा, सुबह तो हमने रोटी बनाई नहीं थी क्योंकि हम लोग चले गए थे मंदिर, और फिर हमने आग के दिन में ही डायरेक्ट सीधे खाना बनाया। तो एक रोटी बची है, ये रोटी गाय को देने जा रही हूँ। जैसे कि गाय, आपको पता है, जब किसी पशु को आदत पड़ जाती है तो वो डेली आता है और सुबह शाम आता है, तो एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम गाय के लिए ज़रूर रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ, गौ माता रोटी खा चुकी है, और अब जाइए आप, चलो जा 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 जा, चल जा 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 जा, कल आना आप सुबह, जाओ, हो गया, जाइए। बस गौ माता रोज़ सुबह शाम आ जाती है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मुझे गौ माता के ही दर्शन होते हैं, और गौ माता को रोटी देने के बाद तब वो चली जाती है, जब तक खाएगी नहीं रोटी तब तक जाती नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ मार्केट के लिए, और अब मैं जा रही हूँ माता रानी की शॉपिंग करने के लिए। मैंने कल कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि कल अमावस थी, तो सर ने कहा कि आज ही ख़रीदना है, और कल हम माता रानी को सुबह ये सब चढ़ा देंगे जो भी माता का श्रृंगार है। और तो फिर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हम बाज़ार से आ चुके हैं और हमारी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है। ये माता का सामान है बंधा हुआ, चुन्नी और श्रृंगार का, ये हमने 2 तौलिया लिए हैं आजकल अब ठंडियों के लिए, और क्योंकि गर्म तौलिए जो मोटे वाले थे वो सूखते नहीं हैं, तो ये हल्के वाले तौलिए लिए हैं। और थोड़ी सी भिंडी ली है, और 4 हमने कीवी ली है, और ये पपीता और दही, बस इतने से ही शॉपिंग की है। और अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. तो दोस्तों, हम मार्केट से आ चुके हैं और अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा बाहर, लाइट चल रही है, और अब मैं ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह से हम मेहमानदारी में थे, मेहमान आए हुए थे, और सबसे पहले हम मंदिर गए। मंदिर से आने के बाद अब जैसे ही हमने अपनी पूजा ख़त्म की, ऐसे ही 2-4 लोग और आ गए, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाए हैं। फिर उन लोगों की पूजा की सर ने, और आते आते हमें यहाँ पर देर हो गई, हमारे आने से पहले ही हमारे मेहमान पहुँच चुके थे। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारा ब्लॉग एंड कर देना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपने इन्जॉय किया हो, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छा
अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहे। उसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।